छोटे बच्चों को क्यूटी पाई बोलते हैं और इन क्यूटी पाइज को रोबोटिक्स सिखाने के मकसद से एक कंपनी शुरू हुई है, क्यूटी पाई रोबोटिक्स, और उसके फाउंडर एंड्रू जर्लिन मेरे साथ हैं। एंड्रू, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि बच्चों में रोबोटिक्स यू नो इनिशियल स्टेजेस में शुरुआत की जाए, तो मुझे बताइए ये कैसे शुरू हुआ और किस तरह के बच्चे या फिर किस एज ग्रुप के बच्चे इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं? तो हमारे पास जो आप देख रहे हैं, वी आर हैविंग दिस क्यूटी पाई रोबोटिक ब्लॉक्स, जिससे आप लोग जो भी डिजाइन आपको मन में आता है वो बना सकते हैं। तो हम लोग किसी भी डिजाइन जो बच्चे सोचते हैं वो खुद अपने आप बना सकते हैं। तो कुछ दिन के बाद वो लोग डिजाइन से बोर हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा इंटेलिजेंस हो उसमें, थोड़ा सा मतलब टेक्नोलॉजी हो। हम लोगों ने बनाया ये मदरबोर्ड, जिसके अंदर आर्डिनो बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्लग एंड प्ले टाइप का पोर्ट दिया है हम लोगों ने। तो इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे मॉड्यूल्स भी बनाए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, तो हर सेंसर के बेसिस पे आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे एक बबल ब्लोअर बनाना है, तो क्या करेंगे, तो उसको हम लोग पढ़ा के तो सिखा नहीं सकते, उनको जो भी इंटरेस्ट है वो खुद ही बनाएंगे। तो दैट इज वाई वी आर मेकिंग अ प्लेटफॉर्म।